हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्कोप, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेलीस्कोप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को नेक्ड आई से विजिबल करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं, बिकॉज इसके रिजोल्विंग पावर आई के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को विजिबल करने के लिए जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड टेलीस्कोप। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की वर्किंग दोनों की सेम है, बट कंस्ट्रक्शन दोनों में डिफरेंट होता है। अब देखिए क्या है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट टू कन्वर्जिंग लेंस। One of them, objective lens, which face the object, has large aperture and large focal length. And second, eyepiece, has small aperture and short focal length. ठीक है? First, objective. So, consider किया हमने L, O से. O, O, focal length की होगी हमारे पास. F not, ठीक है। Now, light rays from the object, from the distant object, falls on the objective lens and form an image at the focus of objective lens. This image is inverted, small to the object and rear. And eyepiece lens, it's so adjusted such that the image I behave as an object for eyepiece lens. And it's situated between the optical center and focal point of eyepiece, FP. ठीक है, फाइनली द आई एज ए बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस, देन इट फॉर्म ए इरेक्ट वर्चुअल and a large object, image. And by adjusting the eyepiece lens, we form the object at the least distant of distant vision, D. Clear? वहां हमने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था, माइक्रोस्कोप में हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसका अपेचर स्मॉल था, और आईपीस लेंस का डायमीटर हमारे पास है, या अपेचर जो हमारे पास है वो लार्ज था, जबकि यहां अपोजिट है। ठीक है, यहां ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका अपर्चर और फोकल लेंथ जो है वो लार्ज है कंपेयर टू किसके, आईपीस के। क्लियर हुआ? फाइनली दोनों में ही हमारे पास माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, दोनों में ही हमारे पास इन्वर्टेड एनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो फाइंड करते हैं इसका मैग्निफिकेशन पावर। देखिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन पावर कैपिटल एम इज डिफाइन एज द विजुअल एंगल ऑफ इमेज एंड विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। कैपिटल एम डिनोटेड बाय define as the ratio of the beta to alpha. अब देखिए, बीटा और अल्फा का वैल्यू कन्वर्ट कैसे करेंगे हम? हमारे पास ऑब्जेक्ट के लिए विजुअल एंगल हमारे पास हो गया, दैट मींस अल्फा। ये अगर ये अल्फा है तो हमारे पास ये वैल्यू भी क्या होगी, हमारे पास है अल्फा। ठीक है,
ये इमेज का फॉर्म कर रहा हमारे पास है, सपोज दैट इट्स ए डैश एंड बी डैश, ये मेरे पास क्या हो गया इसका इमेज डिस्टेंस, बिकॉज ऑब्जेक्ट का रखा हमारे पास इन्फाइनाइट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो इन्फाइनाइट में कंसिडर कर रहे हैं, तो इमेज का फॉर्म हो रहा है उसके फोकल पॉइंट पर, तो वी नॉट इक्वल होगा किसके, एफ नॉट के। नाउ सेकेंड आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ, यू ही कंसिडर कर रहे हैं और इसकी इमेज कहां फॉर्म हो रही है, ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन कैपिटल डी पर, वी इक्वल टू डी, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट के लिए देखा जाए तो हमारे पास इमेज का विजुअल एंगल दैट्स बीटा। नाउ अब सोल्व करें, अल्फा के लिए बात करते हैं ट्राइंगल यूज कर रहे हैं ए डेस बी डेस ओ नॉट इन ट्राइंगल ए डेस बी डेस ओ नॉट टेन अल्फा इक्वल टू ए डेस बी डेस बाय एफ नॉट ए डेस बी डेस बाय एफ नॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड की बात करें हमारे पास है इन ट्राइंगल ए डेस बी डेस ओ ई टेन बीटा इज इक्वल टू होगा ए डेस बी डेस बाय यू ई, इसे इक्वेशन नंबर दे दिया हमने सेकेंड। नाउ बिकॉज एल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल देन tan alpha approximately equal to alpha and tan beta approximately equal to beta. Put in the value of alpha and beta, then we get n is equal to beta by alpha equal होगा हमारे पास किसके f not by u, f not by u, ठीक है। अब यहां हमारे पास दो केसेस बन गए हमारे पास है, फर्स्ट केस में इमेज फाइनल जो इमेज है वो कहां फॉर्म हो रही है, लीस्ट डिस्टेंस पर, डिस्टेंस के लीस्ट डिस्टेंस पर। सेकंड टाइम हम बात करेंगे तो वहां हमारे पास होगा कहां पर, इनफाइनाइट पर। तो देखते हैं हम फर्स्ट केस देखिए, केस फर्स्ट इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस कैपिटल डी, ठीक है। दो यू का वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस यू ई, बट वी का वैल्यू जो हम यूज करेंगे, सॉरी यू का वैल्यू माइनस वी और वी का वैल्यू जो यूज करेंगे माइनस कैपिटल डी, दोनों सेम साइड हमारे पास है, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला वन बाय एफ ई इज इक्वल टू वन बाय वी ई माइनस वन बाय यू ई, जैसा कि हमने पहले माइक्रोस्कोप में भी कहा था, जब भी हम एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की पोजिशन फिक्स होती है और इमेज की पोजीशन फिक्स करने के लिए हमें जो चेंजेस करना होता है, जो स्लाइड करते हैं वो किसको करते हैं, आईपीस लेंस को, ऑब्जेक्ट लेंस में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए हम जब फोकल लेंथ ले रहे हैं किसकी ले रहे हैं, आईपीस लेंस की। वैल्यूज पुट करें वन बाई एफ इज इक्वल टू माइनस वन बाई डी प्लस वन बाई यू ई, वन बाई यू ई का वैल्यू क्या होगा मेरे पास, वन बाई u is equal to 1 by f e plus 1 by d, then we get magnification power capital M is equal to f naught by u e, 1 by u e ka value kitna hoga, 1 by f e plus 1 by d, 1 by f e plus 1 by d, then answer is f naught by f e plus F not by capital D. Clear हुआ? ये तो केस हमारे पास है कब, जब हमारे पास फाइनल इमेज जो है
इन्वर्टेड वर्चुअल जो इमेज हमारे पास आ रही है, सॉरी इरेक्ट और वर्चुअल इमेज है, कहां फॉर्म हो रही हो? लीस्ट डिस्टेंस पर। नाउ सेकेंड केस हम बात करें, केस सेकेंड जिसे बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सेड टू बी नॉर्मल एडजस्टमेंट इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द इनफाइनाइट। आई रिपीट, ए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज सेड टू बी नॉर्मल एडजस्टमेंट इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। और ऐसा कब पॉसिबल है? व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस इज मस्ट बी प्लेस एट इट्स फोकल लेंथ, दैट मीन्स वी इक्वल टू इनफाइनाइट एंड यू ई मस्ट बी एट प्लेस एट द फोकल आईपीस। ठीक है, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला one by f is equal to one by v e minus one by u e, putting the values of v in u e, u e equal to f e. Okay, now magnification power is f naught by u e, that's be equal to f naught by f e. Clear? Now ab baat karte hain length of the telescope. The length of telescope is defined as the separation between the both lenses, eyepiece and objective. For example, this. It is the length of telescope. It is defined as the image distance of our objective lens, V naught, and object distance for eyepiece lens, UE. And we know that the image distance for the objective lens is its focal length, because object is placed at the distance of this distance. That means V naught is equal to F naught. So the length of the telescope must be equal to L is equal to F naught plus UE. Now first case ke baat karein, when the final image is formed at the least distance, then in first case if v equal to d, then the u e ka value kya hoga? 1 by u is equal to kitna hai? 1 by f e plus 1 by d, that means u e equal to hoga f e into d upon a d plus f e. That means the length of the telescope would be equal F naught plus F E D by D plus F E. Okay? Now second case mein baat kare. In second case, in case second, if V equal to infinite, that means U equal to kya hoga mere paas? Its focal length. Now the length of the telescope would be equal F naught plus F. Clear हुआ? तो ये था हमारे पास astronomical telescope. इसका एक drawback हमारे पास केवल यही है कि final जो image हमारे पास form होती है वो क्या होगी? Inverted होती है, inverted to the object. Clear हुआ? Virtual है और inverted है. तो इस drawbacks को solve करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है? ए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज फॉर्म ए इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लें. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप.
इसका एडवांटेज यही है हमारे पास के इरेक्ट लार्ज एंड वर्चुअल इमेज ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप सुटेबल नहीं है बिकॉज वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास वो देखिए, एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप में क्या होता है हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, इट हैज लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। इसके बाद हम बात करें एक हम यूज करते हैं आईपीस, इसका अपर्चर और फोकल लेंथ दोनों शॉर्ट होते हैं हमारे पास है। अब देखिए यहां हम जो इन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्म होती है वो इसके फोकल लेंथ पर होगी, किसके ऑब्जेक्टिव लेंस के। इसे ये हमारे पास इन्वर्टेड है, इसको इरेक्ट करने के लिए हम अनदर लेंस अनदर कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड इरेक्टिंग लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। It is objective lens and this erectic lens. And after this, eyepiece. ठीक है? अब देखो, working क्या है इसका? किस principle पर work करता है मेरे पास? फाइनली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए इसकी इमेज का फॉर्म होगी फोकल लेंथ पर, इट्स ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ओ एंड इट इज द फोकल पॉइंट एफ नॉट। द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म ए इमेज इन्वर्टेड इमेज इन्वर्टेड एंड रियल इमेज आई एड बी डेज ठीक है एट इट्स फोकल पॉइंट इज वी नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट and we adjusting the erecting lens such that the image I behave as an object for the erecting lens and it's situated at the 2f distance from the erecting lens. What happened when the object is placed at the 2f distance from the lens? We know that when an object placed at the 2f distance from the lens, then it lens form a real inverted and equal size of object at its 2f distance. My bike light parallel jari. Optical center my pass and this 2f distance f and 2f for erecting lens. Okay. Now, first तो मेरे पास इमेज आई जो फॉर्म हो रही थी ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस वो एज ए ऑब्जेक्ट हो गया किसके लिए इरेक्टिंग लेंस के लिए, और इरेक्टिंग लेंस इस आई इमेज को अगेन सॉरी ऑब्जेक्ट के लिए इसकी इमेज फॉर्म कर रहा है कहां पर आई डेस पर ठीक है। यहां आई डेस और आई का साइज इक्वल होगा बिकॉज 12 की ऑब्जेक्ट जब हम 12 रखते हैं तो उनकी साइज क्या होती है इक्वल होती है, तो यहां हमारे पास हो गया ए डबल डेस एंड बी डबल डेस। Now, finally हम बात करते हैं अब जो हमारे पास आईडेस जो इमेज है जो इरेक्टिंग लेंस से फॉर्म हो रही है वो एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा किसके लिए आईपीस के लिए, एंड वी एडजस्ट द आईपीस सच दैट इट फॉल्स बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड इट्स ऑप्टिकल सेंटर एफ ई ओई। से क्या होगा हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो उसकी इमेज एनलार्ज इरेक्ट एंड वर्चुअल फॉर्म होती है, तो यहां फाइनली हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो हमारे पास इरेक्ट होगी
a triple dash and b triple dash. ठीक है, क्लियर हो यहां तक? अब बात करते हैं हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर कैसे फाइंड करेंगे इसकी। तो हमारे पास जैसा कि हमने पहले माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, हमारे पास है फाइनली मैग्निफिकेशन पावर जो होती है इफ टू और मोर देन टू इमेजेस आर सॉरी लेंसेज आर यूज इन ए कॉम्बिनेशन देन द फाइनल मैग्निफिकेशन पावर विल बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईच मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज एम नॉट डॉट एम इरेक्टिंग डॉट एम आईपीस। ठीक है, नाउ एम नॉट के लिए बात करें हमारे पास है, तो देखिए पहले इरेक्टिंग लेंस की बात करते हैं। इरेक्टिंग लेंस के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस क्या है, सॉरी हाइट क्या है, हमारे पास इक्वल है। दैट मीन्स एम इरेक्टिंग मेरे पास जो होगा वो कितना हो गया वन। दैट मीन्स वी कैन से द रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन पावर इज डिफाइंड एज द एम नॉट डॉट एम ई which is equal to the magnificent power of the astronomical telescope. Clear? That means you will get M is equal to F naught by Fe plus F naught by D. If the final image is formed at the least distance of distant vision, if final image at capital D, now second m equal to f naught by fe if final image form at infinite. ठीक है, यहां मैं बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में डिफरेंस इतना था है कि वहां हमारे पास दो लेंसेज कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं कोएक्सियली, यहां हम तीन कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं जिनको कॉन्सिली एडजस्ट करते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमारे पास फाइनल जो इमेज होती है वो एनलार्ज भी होती है, वर्चुअल भी होती है, बट इन्वर्टेड होती है। यहां बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हमारे पास है जो फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है वो हमारे पास है एनलार्ज है, वर्चुअल है, बट इरेक्ट है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हमारे पास है, बट मैग्निफिकेशन पावर दोनों का क्या होगा, इक्वल आता है। किसके लिए, चाहे ऑब्जेक्ट लेस डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही हो या फिर फाइनली हम बात करें इमेज जो हमारे पास इनफाइनाइट पर फॉर्म हो रही हो। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, और कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है हमारे पास। नाउ सेकंड हम बात करते हैं, सॉरी थर्ड, थर्ड इज कैसेग्रेन टेलीस्कोप। इट इज ऑल्सो नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बिकॉज इसमें भी जो फाइनल इमेज जो फॉर्म होगी वो क्या होगी हमारे पास है, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक पैराबोइडल लेंस मिरर सॉरी कन्वर्जिंग मिरर एम यूज करते हैं एंड सेकेंडरी मिरर डाइवर्जिंग स्मॉल एम एडजस्ट किया होता है हमारे पास। ठीक है, कोएक्सियली एंड अनदर आईपीस लेंस ऑल्सो बी एडजस्ट अमंग देम एस आईपीस। ठीक है, नाउ when light rays from the distant object
falls on converging mirror parallel to the principal axis, then final image is formed at its focal point. But the reflected rays are incident on a small mirror, diverging mirror small m, then again reflected from it, and finally image form at point I. The image I behave as an object for the eyepiece lens and eyepiece form its image, which will be inverted, enlarged and virtual. Clear हुआ? वापस रिपीट करते हैं. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से हमारे पास है, कोई भी लाइट रेज हमारे पास है जो इंफ्रारेड से हमारे पास आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी हमारे पास है कन्वर्जिंग लेंस पर, सॉरी मिरर पर इंसिडेंट होती है कैपिटल एम पर, वहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास की इमेज कहां फॉर्म होनी चाहिए थी हमारे पास है आई डैश पॉइंट पर. बट उससे पहले हमारे पास एक स्मॉल हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस स्मॉल एम से इसका अगेन रिफ्लेक्शन होता है और फाइनल इमेज जो हमारा फॉर्म हो रही है वो कहां पर हो रही है आई पर हो रही है. ठीक है, ये है हमारे पास जो इमेज है वो हमारे पास कौन सी है इन्वर्टेड इमेज है. ये इन्वर्टेड इमेज हमारे पास एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी किसके लिए आईपीस लेंस के लिए, और इसका पोजीशन क्या होगा बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड इट्स ऑप्टिकल सेंटर, देन द आईपीस लेंस फॉर्म ए इमेज एनलार्ज इरेक्ट एंड वर्चुअल. ठीक है, फाइनली वी गेट फाइनल इमेज इट विल बी वर्चुअल inverted to object and large in size. ठीक है, और मैग्निफिसेंट पावर्स का जो होता है हम यूज करते हैं वो होता है हमारे पास माइनस एफ नॉट बाय एफ ई, माइनस एफ नॉट बाय एफ ई. क्लियर हुआ? इसका डेरिवेशन ज्यादा हमारे पास सिलेबस में नहीं है, हमारे लिए इसका एक वर्किंग जो है डायग्राम है और वर्किंग हमारे पास इंपॉर्टेंट है. अब बात कर रही है कि हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल, जब हमारे पास टेलीस्कोप है तो हम रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप को यूज क्यों करते हैं. तो देखिए इसके एडवांटेज हमारे पास क्या है. फर्स्ट एडवांटेज का क्या है हमारे पास कि इस सिचुएशन में एक तो रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दोनों के लिए मैग्निफिसेंट पावर सेम है, बट इसकी जो साइज है या लेंथ जो है वो शॉर्ट है कंपेयर टू किसके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के. फर्स्ट एडवांटेज तो ये है. सेकंड हम बात करते हैं कि स्फेरिकल एब्रेशन जो हमारे पास होता है, स्फेरिकल एब्रेशन हमारे पास है मिरर का, एक तो हमारे पास कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर दोनों का स्फेरिकल जो हमारे पास एब्रेशन है वो अपोजिट होगा, दैट मींस दे कैंसिल टू ईच अदर, और फाइनली हमारे पास जो है इमेज जो फॉर्म होती है इसमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है, जबकि रिफ्लेक्टिंग सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में स्फेरिकल एब्रेशन की प्रॉब्लम आती है. ठीक है, नाउ थर्ड एडवांटेज हमारे पास क्या होता है. फर्स्ट हो गया हमारे पास शॉर्ट लेंथ का, एंड सेकंड देयर इज नो स्फेरिकल एब्रेशन, एंड थर्ड हमारे पास होगा there is no color aberration. color aberration इसमें नहीं था because due to reflection. ठीक है, जबकि astronomical telescope में हम lens use करते हैं तो lens में color aberration आ जाता है, जबकि reflecting telescope में हमारे पास है कोई color aberration नहीं होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास topic था telescope का. तो telescope में important हमारे पास है एक तो होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जहां से हम बात करें इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, बट फाइनली इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो कौन सी होती है इन्वर्टेड होती है, एनलार्ज होती है, वर्चुअल होती है. उसके बाद हम उसको फाइनल इमेज को इरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. ठीक है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में फाइनल जो इमेज फॉर्म होती है वहां पास होती है इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है एंड एनलार्ज होती है,
एंड फाइनली डिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम यूज करते हैं बिकॉज हमारे पास है कि ड्रॉबैक्स है एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप के। फर्स्ट ड्रॉबैक तो हमारे पास ये है कि उसमें कलर एब्रेशन का ड्रॉबैक, और सेकेंड नंबर ड्रॉबैक आता है उसमें हमारे पास स्पेरिकल एब्रेशन का, ठीक है। एंड थर्ड हम बात करें उसकी लेंथ बहुत बड़ी जाती है। यहां बात करें हमारे पास लार्जेस्ट साइज क्या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इंडिया में हमारे पास 2.4 मीटर डायमीटर का है जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमारे पास आपको जो डीपी भी है, जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा और एज ए पीडीएफ भी आपको अवेलेबल में करा दूंगा। और अगर फिर भी अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं मुझे, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।